विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान कर निर्धारित अवधि में पूरा करने के उद्देश्य से होने वाली समीक्षा बैठक हमीर भवन में उपायुक्त हरकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपायुक्त ने माइनिंग अधिकारी को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण को लेकर क्रशर बजरी के प्रयोग को सुनिश्चित करें तथा जहां खड के मेटीरियल का प्रयोग किया जा रहा है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान कर निर्धारित अवधि में पूरा करने के उद्देश्य से हर सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक हमीर भवन में उपायुक्त हरकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपायुक्त ने माइनिंग अधिकारी को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण को लेकर क्रशर बजरी के प्रयोग को सुनिश्चित करें तथा जहां खड के मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करें जो क्रशर मटेरियल के स्थान के खड्डों के मटेरियल का सड़क निर्माण के लिए प्रयोग कर रहे हैं। परियोजना अधिकारी DRDA तथा जिला राजस्व अधिकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान के संबंधित तीसरे किश्त जो कि किसानों के खातों में जानी है उसकी प्रक्रिया को लेकर आवश्यक कदम उठाएं। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर को शहर में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा जो अपने घर की छत लेंटर के पानी को पाइप के माध्यम से सड़क में डाल रहे हैं। इससे सड़क खराब हो रही है तथा जहां पानी गिरता है सड़क में खड्डे बन रहे हैं तथा वाहन चालकों व राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शहर के टाउन हॉल की जिला मंडी के टाउन हॉल की तर्ज पर सीलिंग के लिए मरम्मत प्राकलन तैयार करने को कहा गया ताकि इसे सुंदर बनाया जा सके। साथ ही ईओ नगर परिषद को नगर परिषद के माध्यम से अपने आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए भी कहा गया। शहर में अवैध खोखाधारकों के लिए किराए के पैसों को नगर परिषद 7 दिन में वापस करे तथा अवैध रूप से रहने वाले खोखाधारकों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। नगर परिषद हमीरपुर के साथ लगती 6 पंचायतों अनुकला बस्सी जनियारा दड़ूही मत्ती टीहरा के नगर परिषद हमीरपुर के साथ लगते बाड़ों में कचरा प्रबंधन को लेकर प्लान तैयार करने के लिए विकास खंड अधिकारी को आवश्यक पग उठाने के लिए भी कहा गया। दोसड़का स्थित SD स्कूल के साथ लगती संपर्क सड़क व ड्रेनेज की मरम्मत को लेकर लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए। SDM को इस स्पॉट का निरीक्षण करने को कहा गया। गांधी चौक से नादौन चौक तक सड़क को लोक निर्माण विभाग थोड़ा चौड़ा कर बीच में करीब 5 फुट की पट्टी बनाई जाए ताकि इस स्पॉट पर यातायात जाम समस्या का हल किया जा सके। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को गांधी चौक से अणु चौक तक ऐसे सभी प्राइवेट बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया जो गाड़ी को जानबूझकर रुक रुक कर चलाते हैं वो अणु चौक में अकारण खड़ी कर देते हैं। इससे सवारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट टैक्सी चालक सवारियों को न ढोए इसके लिए नियमित रूप से चेकिंग की जाए। जिला में 10 किलोमीटर के दायरे में टैक्सियों को किराए की दरें निर्धारित की जाएंगी। इसके लिए RTO को शीघ्र इस दायरे में आने वाले स्थानों की सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया। शहर में इलेक्ट्रिकल टैक्सी चलाने को भी लेकर चर्चा की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि स्थानांतरण मामले तथा प्राथमिक स्कूलों के भवनों व शौचालयों की मरम्मत को लेकर CDPO शिक्षा विभाग जिला पंचायत अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी DRDA को शीघ्र आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। चकमों में बनने वाले नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र निर्माण करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम SDM डॉक्टर चिरंजी लाल परियोजना अधिकारी DRDA KD सिंह कंवर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक शर्मा के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।